मध्य प्रदेश में बच्चे स्कूल में नियमित आए और उनका पोषण स्तर भी सामान्य रहे। इस आशय से सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की है और पोषण तत्व बरकरार रखने के लिए बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन दिया जाना है। लेकिन मेनू तो दूर की बात है, सागर जिले के एक स्कूल में भोजन ही इतना खराब दिया जा रहा है कि बच्चे घर से खाना लेकर आ रहे हैं। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल सागर जिले के शासकीय हाई स्कूल पटना खुर्द, जो कि संकुल केसली में आता है, इस स्कूल में बच्चों को घर से भोजन लेकर आना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि विद्यालय में समूह के द्वारा भोजन बनाया जाता है, वह अच्छा नहीं लगता और कभी कभी तो भोजन अच्छा नहीं बनता। सभी बच्चे अपने अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं और जब भोजन की छुट्टी होती है तो अपने टिफिन से ही भोजन करते हैं। अब स्कूल शिक्षक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि समूह वालों से बार बार बोलने पर वो खाना में सुधार नहीं कर रहे और जिस भी बच्चे को विद्यालय का भोजन अच्छा नहीं लगता तो वो अपने घर से लेकर आते हैं। ग्रामीणों के कई बार बोलने के बाद भी सुधार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद इस मामले में संबंधित अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, यह तो समय रहते ही पता चलेगा। सब लोग घर चले गए थे तुम लोग? क्यों, अच्छा नहीं बनता खाना यहाँ पे? तुम लोग अपना टिफिन लेके आओ, क्या बात है? अच्छी नहीं लगती। अच्छा, घर से ला दी हो? क्या नाम है? कौन सी स्कूल से? कौन सी क्लास पढ़ती? आठवीं। घर से टिफिन ला दे हो? हाँ। क्यों? अच्छा नहीं लगता खाना? अच्छा नहीं लगता खाना? घर से लेके आते हो? घर से ही लेके आते हो। क्यों, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे? क्यों बेटा, अच्छा नहीं लगता खाना? योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, केसली।